एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात एक चीज पर आकर टिक रही है, उसे बार बार कहा जाए तो भी कम है। श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता। मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता ही सर्वोपरि है। हर मनुष्य चाहता है, हर मनुष्य इस बात को चाहता है कि वो सुखपूर्वक जीवन को जिए और सबका प्रेम और सबका स्नेह उसे मिले। ये हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे। बोलो, आप भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? शक्ति और समृद्धि के पक्ष पर आगे बढ़ने की इच्छा हर किसी के मन में है। सर्वज्ञता की अभिलाषा हरेक की ऐसी ही है। अंदर से देखो, अंदर से देखो। ये दूसरी बात है, किसको वो सौभाग्य मिला है। कई बार आदमी कहता है ऐसी करते करते मर जाएंगे, अपने ही मन में विचार उठता है, परंतु जो अभिलाषा है, जो आकांक्षा है, उसको कहीं भी जरा सा भी सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। पता नहीं सारा सुख सौभाग्य कहां छुपा हुआ है, समझ नहीं आता। देखिए, इतनी बात तो हो जाती है, किसी को कम और किसी को ज्यादा मिले, परंतु एक को मिले ही ना और एक को मिले, ये नहीं चलती। परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य का भंडार है, वो सर्वशक्तिमान भी है। वेद उपनिषद उसे सर्वज्ञ सर्वव्यापी बताते भी हैं। जो भी वेद बता रहा है वो उसके गुण हैं, ईश्वर के। वो उसके गुण हैं। उसके विकास के लिए इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है, ईश्वर के विकास के लिए। बुद्धिमान शक्तिमान ऐश्वर्यमान व्यक्ति बाजी मार करके ले जाते हैं, शेष पिछड़ेपन के दुर्दैव्य का रोना रोते रहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कि तीन तत्वों का विकास
मनुष्य जीवन की ईश्वर भक्ति से बड़ी ही सरलता के साथ उसे इस जीवन के अंदर विकसित किया जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर बात समझ आ रही है, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, कबीर निरक्षर थे किंतु ईश्वर की उपासना उनकी सूक्ष्म बुद्धि का विकास था। विचार और चिंतन के कारण उनमें वो शक्ति का आविर्भाव हुआ जो बड़े बड़े विद्यालयों के छात्रों शिक्षकों को नहीं नसीब हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि उस निरक्षर कबीर पर कितने व्यक्ति आज पीएचडी कर चुके हैं। किस पर पीएचडी कर चुके हैं? कबीर मत कहना, कबीर के गुणों पर। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तीन तत्वों का विकास ईश्वर भक्ति से बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव भक्त हुए हैं, वेद ज्ञानी नहीं। प्रहलाद ब्रह्म उपदेशक नहीं थे, नानक की बौद्धिक मंदता हर किसी को पता है। सूर और तुलसी जब तक साधारण व्यक्ति बनकर के रहे, उनकी कोई विशेषता नहीं थी। पर जब विशेषता का अवतरण हुआ तो अविद्या रूपी जो आवरण था वो लुप्त तो हो गया। काव्य की विचार की ऐसी एवरल धारा, काव्य और विचार दोनों आपस में मिलकर के एक ऐसी एवरल धारा बही जो कविता के आकाश को छू गई। यहां तक कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सबदास, अब के कवि कवि खगोत्सम जहते करें प्रकाश। यानी के सूर सूर्य के समान, तुलसी चंद्रमा के समान। उड़गन कहते पट बीजने को, केशवदास। यानी के उनकी किस तरह की उपमाएं दी गईं कि वो इतने बड़े ज्ञानी हो गए। जिन लोगों में ऐसी विलक्षणताएं हैं, और मैं तो आप सबको कहूंगा, मेरा रिश्ता तो आपके साथ है,
और ये कहूंगा कि ईश्वर चिंतन का प्रभाव अपने अंदर जागृत करिए। कल मैंने बताया था अंतर जगत की यात्रा के बारे में, और बाह्य जगत की यात्रा के बारे में। निश्चित बात है कि हर कोई अपने पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर के इस जीवन में आता है, याद रखना। उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि से आत्मज्ञान पैदा होता है। प्रवचन का समय क्योंकि कम होता है, आज मैं ध्यान पर एक वीडियो आपको डालूंगा, आप उसको ध्यान से सुनना। मैं फिर से कहता हूं, पढ़ाई किससे होती है? कापी कलम दवात, आप समझिए किताबें, कितना बड़ा जखीरा उसके लिए तैयार किया जाता है। वो सब सांसारिक साधन सुविधाएं हैं, परंतु एक बात कह दूं कि पढ़ाई जो की जाती है वो ध्यान से की जाती है। अच्छाई की तरफ भी चला जाता है तो वो ध्यान से चला जाता है। सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर ध्यान से चलता है तो ठोकर नहीं लगवाता, कांटा नहीं लगवाता। और जिसका ध्यान खो गया उसे अनेक तरह की पीड़ाएं सताएंगी। यह ध्यान का प्रभाव है। जन्म जन्मांतरों के पूर्व के सिंचित संस्कार जो हमारी चेतना पर छाए हैं, अंतर जगत की यात्रा के बारे में आपको बताया गया था, एक बात पूछता हूं, आप चैतन्य हैं या नहीं है? लिखो, आप चैतन्य हैं या नहीं है, लिखिए इस बात को। अगर हैं तो किससे? आत्मा से। अगर आप आत्मा से प्रकाशित हैं तो आत्म प्रकाश दिखाओ। आत्म प्रकाश आपके पास है क्या? उसको देखो, और इस देखने से ध्यान से देखो, और ये देखो कि अगर उसको हटा दिया जाए, प्रकाश है हमारे अंदर, आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर है, ध्यान से उस जो उसके ऊपर आवरण है अगर उसको हटा दिया जाए, जैसे शिक्षा से अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जाता है, विद्या से आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है,
अज्ञानता हटेगी तो प्रकाश को कोई बांध नहीं सकेगा। मैंने कहा उपासना चित्त शुद्धि के लिए होती है, चित्त माने चेतना। यहीं से अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें व्यक्ति को अपना संतुलन बनाना पड़ता है। जीने के लिए कमाना और कमा करके जीने की पूर्ति नहीं की जाती है, शरीर की, परिवार की, पड़ोस की, समाज की, जहां भी जिम्मेदारी लगी है वो सब पूरी की जाती है। दायरा छोटा होता जाता है तो संकीर्णता आती जाती है। शक्ति के कोष और पंच कोष दोनों में समन्वय, तालमेल बनाना पड़ता है। दूरदर्शन की प्रतिभा का विकास करना पड़ता है। आरंभ में ये केवल किसी वातावरण में ही घटित होने वाला स्थूल परिस्थितियों के द्वारा अपने जीवन में अनुगमन करने वाला भक्ति के प्रवाह को प्रगाढ़ करने वाला, उनकी बुद्धि का इतनी सूक्ष्म और जागृत कर देना जिससे ये पता लगे कि व्यक्ति अगर चुपचाप बैठा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। वरना तो इंसान इस तरह की प्रकृति का है, वो परिणाम को तुरंत चाहता है। धैर्य नाम की चीज उसके अंदर नहीं है। उन प्रवृत्तियों को हमको जागृत करना होगा जिसके आधार पर एक साधक की जिंदगी को हम जी सकें। अब ध्यान करेंगे। पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य,
सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास, ब्रह्म वर्चस्व उपास। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलनी जागरण, कुंडलनी जीवनीशत, कुंडलनी अंतः ऊर्जा, कुंडलनी प्राण विद्युत, कुंडलनी योगाग्नि, कुंडलनी ब्रह्म ज्योति, शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 मंथन। मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का उद्गमन। देखभाल कुंडलिनी का उद्गमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का उद्गमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र
जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का
शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय। तं सोमा ज्योतिर्गमय। तं सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। प्रसतो मा सद्गमय। प्रसतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार। दोनों हाथ मलें, मुखमंडल पर फिराएं, धीरे धीरे आंख खोलें। आज की बात संपन्न।